पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में गोवर्धन पूजा पर्व के मद्देनजर अनेक जागरूकता कार्यक्रम के साथ भंडारे भी आयोजित कराए गए, जहां सभी सामाजिक संस्थाओं के साथ समाज सेवियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुरादाबाद के ठाकुर श्री रघुनाथ जी रामाचार्य सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में मंगलवार को मोहल्ला दिनदारपुरा स्थित मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज में अन्नकूट का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के साथ साथ मंदिर में महिलाओं ने भजन कीर्तन भी किया। कार्यक्रम में पंडित राघवेंद्र जोशी, गोविंद जानकी, विदुषी विपिन गुप्ता, अमित अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल, गोपाल रस्तोगी, अनुज दीपक अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, पुनीत अग्रवाल, रेखा जिंदल, विजय कुमार अग्रवाल आयोजकों द्वारा की जानकारी दी गई। हर वर्ष यहाँ पर यह भंडारा आयोजित होता है और इस वर्ष भी यह भंडारा सभी के सहयोग से संपन्न हो रहा है। अपन नाम लेना चाहेंगे, पंडित राघवेंद्र जोशी। सर आज ये क्या कार्यक्रम है आप? ये हमारे यहाँ हर साल गोवर्धन मनाया जाता है, छप्पन भोग आ जाते हैं भगवान को और लोगों में वितरित होता है। आज ये भंडारा कौन से मंदिर में आयोजित हुआ है? मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज मोहल्ले दिनदारपुरा में 1 बजे से चल गया है। 1 बजे से भंडारे का आयोजन किया गया है। क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को आज के दिन? सनातन धर्म के प्रति लोगों का रुझान एकदम दृढ़ होना चाहिए, कट्टरता होनी चाहिए, लेकिन कट्टरता ऐसी ना हो कि किसी का नुकसान हो। लोगों के प्रति प्रेम बढ़े और धर्म के प्रति, धर्म के प्रति हमने रुझान बढ़े, लेकिन दूसरे धर्मों का प्रति भी हमारे मन में आदर भाव बना रहे। आज क्या कार्यक्रम है? आज अन्नकूट का भंडारा 1 बजे से दिनदारपुर में श्री रघुनाथ मंदिर में चल रहा है और भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। क्या उद्देश्य पूरे कार्यक्रम का? बस उद्देश्य यह है, गोवर्धन की परिक्रमा प्रगत उठाया था, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जगह जगह भंडारे हो रहे हैं और आप देखो एक गली के अंदर कितना अच्छा भंडारा चल रहा है, खूब लोग आकर प्रसाद